आधुनिक मार्बल जिसके लगने से इमारत खूबसूरत हो जाती है, लेकिन रीवा में इस खूबसूरत मार्बल ने एक मजदूर की जान ले ली और दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। शहर के खुटेही मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दिल्ली से एक ट्रक मार्बल निजी इमारत पर लगाने के लिए लाया गया। दोपहर जैसे ही 15 मजदूर ट्रक से मार्बल अनलोड कर रहे थे, उसी वक्त 3 मजदूर मार्बल की चपेट में आ गए। मजदूर को मार्बल में दबता देख सभी के हाथ पैर फूल गए। मौजूद लोगों की मदद से मजदूरों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंची, लेकिन मजदूर की हालत देखकर हाथ पैर फूल गए। प्रशासन को सूचना दी गई और 2 जेसीबी बुलाए गए। जेसीबी मार्बल को तोड़ तोड़ कर हटाने का अभियान शुरू किया गया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह से मजदूर के सीने में मार्बल का बोझ लदा हुआ है और इस हृदय विदारक घटना में मजदूर की सांसें थम चुकी हैं। मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। गनीमत अच्छी थी कि 2 मजदूरों की जान बच गई। 2 मजदूरों को गंभीर हालत में संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मजदूर की इस हादसे में मौत हो गई। अगर समय रहते प्रयास किया जाता तो शायद मजदूर की जान बच सकती थी। हर मामलों की तरह इस मामले में भी प्रशासन का रवैया चिंताजनक रहा। समय पर प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए और मार्बल ट्रक से खाली करने में 2.5 घंटे का समय लग गया। और तो और, इनके पास मशीनों और रेस्क्यू यंत्रों का भी अभाव है, जबकि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी नेशनल हाईवे में उर्राहट के पास कांच अनलोड करते हुए मजदूर की दबकर मौत हो गई। इस मौत से भी प्रशासन ने सीख नहीं ली और अब मार्बल में दबकर एक मजदूर की सांसें थम गई। ना तो इनको हेलमेट दिया गया था और ना ही इनके पास मास्क और दस्ताने थे। घटना पत्थर उतारने के गए लेबर आहन तो पत्थर दब और कोई गिर गए, कोई मतलब खाद में हो गए। क्या नाम है उनका जो खत्म नहीं जानते हैं, दरगाह से गए हैं तो फिर दूसरा आगे। कहाँ की घटना है? घटना भैया गाड़ी गई फुटेही फुटेही की। हाँ, शिवाजी पार्क जो नहीं है उसके शिवाजी पार्क। सूचना मिली थी कि फुटेही मोहल्ले में शिवाजी पार्क के सामने भानु प्रताप सिंह रहते हैं, उसके घर के सामने एक ट्रक खड़ा था। ट्रक में संगमरमर की कुछ जो है बड़ी साइज की टाइल्स रखी हुई थी और उनको उतारते समय एक लेबर उसको दब गया है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मोहल्ले के लोग, मीडिया के लोग और बहुत सारे समाज सेवी यहाँ पर पहुँचे थे और उन लोगों ने मिल के एक प्राइवेट जेसीबी और एक नगर निगम की जेसीबी उससे मिल के उन लोगों ने छिपे उतार करके डेड बॉडी को निकाला। ये टाइल्स कहाँ से आई थी? अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि टाइल्स कहाँ से आई थी, हम इसकी जाँच करेंगे। पहला हमारा काम था रेस्क्यू करना, हमने डेड बॉडी निकाल ली है और इन्वेस्टिगेशन आ रही है। मजदूरों की पहचान हो पाई कौन है? मजदूरों की पहचान हो जाएगी, इनके परिवार के लोग ऐसी जानकारी मिली है कि इसके साथ के 2-3 लोगों को चोटें आई हैं तो लोग मेडिकल कॉलेज में हैं और उनके परिवार के लोग भी मेडिकल कॉलेज पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में सब पता चल गया। आइए इस घटना के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं हमारे रिपोर्टर विजय विश्वकर्मा से। बिल्कुल दिव्या, मैं इस घटना के बारे में बताता हूं आपको। ये शहर के खुटेही मोहल्ले की घटना है जहां पर दिल्ली से एक ट्रक मार्बल लाया गया था और इस मार्बल को अनलोड करने के लिए लगभग 15 मजदूर यहां पर मौजूद थे और ये मजदूर ट्रक से मार्बल उतार रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। सारा का सारा मार्बल एक मजदूर के सीने में आ धंसा और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर वहां से बचा लिए गए। ये सारे के सारे मजदूर छोटी दरगाह से लाए गए थे। इस घटना की जैसे ही जानकारी पुलिस और प्रशासन को मिली, वहां पर 2 जेसीबी के साथ दलबल के साथ पहुंचे और सभी मजदूरों को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगा और ये एक बड़ा वक्त था। इस बीच अगर समय पर सही एक पुख्ता तरीके से यहाँ पर इंतजाम होते और प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता तो शायद उस मजदूर की जान बचाई जा सकती थी। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब इस मजदूर को बचाने के लिए जेसीबी वहां पर गई और 2 जेसीबी मार्बल को तोड़ रही थी। उसी दौरान उस मजदूर की मौत हो गई। वहां पर एम्बुलेंस लाई गई लेकिन तब तक वो मजदूर के प्राण निकल चुके थे। बहरहाल
दो घायल मजदूरों को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। बैक टू स्टूडियो।